बताया कि इंसान जैसे कर्म करता है अपने कर्मों के अनुसार उसको भोग भोगने पड़ते हैं, कर्मों के अनुसार उसको जन्म मिलता है। क्या लिखा दादा ने, क्या बताया? फिर जैसा कर्म कर दे धारी वैसा है फल पाता है। ये कर्मों के अनुसार जन्म ले भोग भोगने आता है। जैसा कर्म कर दे धारी वैसा है फल पाता है। कर्मों के अनुसार जन्म ले भोग भोगने आता है। जैसा कर्म कर दे धारी वैसा है फल पाता है। जैसा कर्म कराए दे दारी वैसा ये फल पाता है और कर्मों के अनुसार जन्म ले भोग भोगने आता है। सुनो एक समय की बात, विष्णु भगवान के दरवाजे पे दो द्वारपाल, एक का नाम जय और दूसरे का नाम विजय। विष्णु भगवान तपस्या में लीन बैठे और उनके दरवाजे पे सप्तऋषि आ गए। सप्तऋषि कौन? सनक सनंदन संत कुमारा। दोनों द्वारपालों ने रोक लिया कि भगवान अभी तो विष्णु भगवान तपस्या में लीन है, आप दर्शन नहीं कर सकते। छो में भर गए, कह रहे द्वारपालों की ये औकात कि हम सप्तऋषियों को रोक दिया। सबने बताते हैं कि उन सप्तऋषियों ने दोनों द्वारपालों को श्राप दे दिया। श्राप के कारण दोनों द्वारपाल पेड़ बन गए। उस समय बाद जब विष्णु भगवान आंख खुली, बाहर रोटी पाक करके आवाज लगाई, पेड़ के अंदर से आवाज आई कि महाराज हम तो आपके सामने खड़े। बोले भाई पेड़ कैसे बन गए? सारी कहानी का वृत्तांत किया और हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, महाराज हमारा उद्धार कीजिए, हमें हमारे असली रूप में लाइए। बोले भाई सप्तऋषियों का श्राप ऐसे नहीं कटेगा, या तो 7 जन्म मेरी भक्ति स्वीकार करो या 3 जन्म का मेरे से बैर स्वीकार करो। जैर विजय ने आपस में सलाह करी कि 7 जन्म तो बहुत गणे हो जाएंगे भक्ति के, कि महाराज हम आपका 3 जन्म का बैर स्वीकार करते हैं। तीनों जनों में किस किस का रूप लेकर के मारा, क्या लिखा दादा ने, क्या बताया? एक नंबर पे सनक सनंदन संत कुमारा हरि दरस ते रोक दिए। ये ब्रह्म प्रभु ते जाते रोटी ऊपर रोक दिए। छो में पर श्राप दे दिया आवागमन में झोंक दिए। इन मृत लोक का रज दिया पेज में मृत्यु अवतार प्रभु जी लेके अवतार प्रभु जी भूमि का भार हटाता है। ऐसा कर्म कर दे धारी वैसा ही फल पाता है। कर्मों के अनुसार जन्म ले भोग भोगने आता है। जैसा कर्म कर दे धारी वैसा ही फल पाता। आज अगर हमारे घर में लड़की पैदा हो जाए, रमला कमला बिमला और कोई नाम धर लेगा,
आज तक मन्ना तो कोई ऐसा मानस फेटिया नहीं जिसने अपने लड़की का नाम द्रौपदी धरा। क्यों? उस द्रौपदी को श्राप लगा हुआ था। किसका श्राप लगा, कैसे लगा, क्या लिखा दो नंबर पे? अहुका और भीलनी का नाम नहुका। एक समय रात में उनके दरवाजे पे औरव नाम के सप्तऋषि आ जाते हैं। रात को रुकने का आग्रह किया कि भाई जंगल बियाबान और आदमखोर शेर का डर और 3 दिन का भूखा, आपकी कुटिया में विश्राम करना चाहता हूं। कि महाराज शोक से विश्राम कीजिए, ताजा तो कुटिया के अंदर कुछ है नहीं, 3 दिन के बासी चावल धरे हैं, अगर आपका जी करता हो तो इन्हें खा लियो। बिस्तर लगा दिया गया और ऋषि ने 3 दिन के बासी चावल खाए और आराम करने लगे। भील और भीलनी ने आपस में सलाह करी कि देख यो मारा मेहमान, अगर इसने कुछ हो गया तो मारा कोई जीना नहीं, एक काम कर, आधी रात मैं पहरा दूं और आधी रात तू पहरा दे। सनो बताते हैं कि आधी रात उस भीलनी ने पहरा दिया और आधी रात के बाद भील को उठा दिया कि महाराज अब पैरे की जिम्मेदारी आप। और सरनो भगवान की करनी कि जब उस भील का पैरे का नंबर आया वो आदमखोर शेर आ गया। शेर और उस भील में लड़ाई हुई जिसके अंदर वो भील मारा गया। भीलनी बैठ करके विलाप करने लगी, विलाप की आवाज सुन औरव ऋषि की नींद टूट गई। खड़े होकर के पूछा बेटी क्यों रो है? बोले महाराज आपके लिए पैरा लगा रहे थे और इस पैरे के अंदर यह आदमखोर शेर आ गया जिसने मेरे पति को मार दिया, कोई ऐसा उपाय कीजिए कि मेरी चिता बना दियो, मैं पतिव्रता नारी हूं, अपने पति के साथ में सती हूं। सरनो बताते हैं औरव ऋषि ने चिता बनाई, भील को लिटाया, चिता को जलाया गया और भील ने उसके अंदर प्रवेश कर जाती। और ऋषि भगवान शिव की तपस्या में उसी जगह बैठ जाते हैं कि महाराज दर्शन दीजिए। भगवान शिव ने खुश होकर के दर्शन दिए, बोले भाई बोल, बोले महाराज कुछ ऐसा उपाय कीजिए, किनका जोड़ा जो मेरी वजह से पट्या ये मेरी ही वजह से मिले, तीसरे नंबर पे क्या कहानी बनी, क्या लिखा दादा ने? We'll be right back.
भील बनया ये राजा नल रे भील बनया राजा नल रे इननी सदपुर में जन्म लिया भील की पत्नी बनी दमयंती जिना कुंदनपुर में जन्म लिया इसी बनया एक हंसर लोगो जनमान सरोवर जन्म लिया इसी की भक्ति पर उतर गई राजा के घर जन्म लिया इसी की भक्ति पर उतर गई राजा के घर जन्म लिया ये चोट मिला दी ये पार उतर के चोट मिला दी पार उतर के मारो मारो गलतन को ताऊ अगर यो इसाब मंदिर में निकल जाए तो हमारी माता बहन दूध ले जा कर पियावे बोला आ गया दूध पिलाओ अगर यो इसाब हमारे खेत में निकल जाए तो उनको हमारा बुड्ढा है रक्षा करे है लेकिन दादा ने बताया कि सब जुड़ किसको मिलती है जो अपने प्यारे गल्ला दगा करया करे ना उस भूप इंद्राणी पे निडिगा बैठा सब ऋषियों को पालकी में जोड़ दिया लेकिन जब उस गगन से लात पड़ी धरती पाक का पड़ा अजगर बन गया जंगल भी आबान में भटकता गया क्या लिखा दादा ने क्या बताया ना हू सब ऊप सरक तय गिर गया उस ऊप सरक तय गिर गया रकड़ी में बल पड़ क्या था इंद्राणी तय मिलना चाहा जब तय खेले बिगड़ गया था कई साल रया सर्प जून में पिया मान में सड़ गया ये शायद ऋषि लिया पालकी में सारा नक्शा चढ़ गया था श्री लक्ष्मी चंद्र के उस ईश्वर के घर लक्ष्मी चंद्र के ईश्वर के घर I'm gonna make it right.